गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन फोर्थ क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है 8। लेसन नंबर 8 चल रहा है 8। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। इसको आगे पढ़ते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, ग्रीन का मतलब जाएगा हरी, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, एंड मिल्क और दूध आर गुड फॉर हेल्थ, आर गुड यानी अच्छे हैं फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए। हरी सब्जियां, फल और दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, हरी सब्जियां, फल और दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। We should take them daily, यानी हमें लेना चाहिए them यानी इनको हरी सब्जियों को, फलों को और दूध को daily यानी रोजाना, हमें इनको रोजाना लेना चाहिए। We should take exercise करते हैं व्यायाम करना regularly यानी नियमित रूप से रोजाना। We should take exercise हमें व्यायाम करना चाहिए रेगुलरली यानी नियमित रूप से रोजाना, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। We should take rest का मतलब आराम करना, विश्राम करना। We should take rest हमें आराम करना चाहिए एंड स्लीप वेल और अच्छी प्रकार से नींद लेना चाहिए, हमें विश्राम और अच्छी प्रकार से नींद लेना चाहिए। We should never overeat का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक खाना खा लेना, overeat आवश्यकता से अधिक भोजन करना। We should never overeat यानी हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए अर्थात हमें जितनी भूख लगे उससे अधिक हमें खाना नहीं खाना चाहिए। We should never overeat हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। We should always be happy हमें हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, बी यानी होना चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, हैप्पी यानी प्रसन्न, हमें हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। ये इसकी ट्रांसलेशन करोगे आप, पार्ट की ट्रांसलेशन करोगे और अगले पैराग्राफ की मीनिंग लिखाते हैं, मीनिंग याद करनी है आपको। अगले पैराग्राफ की मीनिंग देखो। GIVE UP give up का अर्थ हो जाएगा छोड़ना, give up यानी छोड़ना या त्यागना। BAD HABIT bad habit का अर्थ हो जाएगा बुरी आदतें, bad habit बुरी आदतें। SMOKING smoking यानी धूम्रपान। STUDY study यानी अध्ययन करना, study यानी अध्ययन करना। CARE का अर्थ हो जाएगा परवाह करना या ध्यान देना। CURSE कर्स यानी अभिशाप, REMEMBER remember का अर्थ हो जाएगा याद करना, remember यानी याद करना। ALSO also यानी भी, ALSO also यानी भी। ANY any यानी कोई, ANY any यानी कोई। HAVE have यानी रखना। 10 मीनिंग है, 10 मीनिंग याद करके लाओगे
और कल इसको आगे पढ़ाएंगे।